तो आज का पहला न्यूज है फ्रांसिस एनगानू को लेके। फ्रांसिस एनगानू के तरफ से बहुत ही सैड न्यूज निकल के आ रहा है कि फ्रांसिस एनगानू ने खो दिया है अपना बेटा। वो बस 18 महीने का एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा था, उसको खो दिया है फ्रांसिस एनगानू ने। फ्रांसिस एनगानू ने ये अपने आईजी स्टोरी पे शेयर करते हुए कहा है कि मैंने अपना लाइफ का सबसे कीमती सामान खो दिया है आज। वो बस 18 महीने के लिए मेरे पास था, अभी वो मेरे बीच में और नहीं रहा। तो ये कहा है फ्रांसिस एनगानू ने। फ्रांसिस एनगानू का दर्द तो अभी हम बांट नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो जिस दर्द से गुजर रहा है उस दर्द को बस वही समझ सकता है जिसने अपना बेटा खोया है। ठीक है, तो हम लोग बस उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो अभी ठीक रहे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो कमेंट सेक्शन में आरआईपी जरूर लिखिएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका माइक टायसन और जेक पॉल के बीच में जो एग्जीबिशन बॉक्सिंग फाइट होने वाला था आपका नेटफ्लिक्स में, तो उसको लेके। तो इन दोनों के बीच में जो बॉक्सिंग फाइट होने वाला था वो होने वाला था एक एग्जीबिशन फाइट। कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा तो उन लोगों का जो लाइफ टाइम रिकॉर्ड है उसमें दर्ज नहीं होगा ये हार जीत का फैसला। लेकिन अभी इसका रूल चेंज करके आपका ये प्रोफेशनल हैवीवेट फाइट बना दिया गया है। अभी अगर कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा तो इन लोग का जो प्रोफेशनल करियर में इन लोग का रिकॉर्ड था उसमें ये शामिल हो जाएगा। ये होगा आपका 8 राउंड का फाइट, 2-2 मिनट का एक राउंड होगा, तो ये 8 राउंड का फाइट होगा। तो आपको इस बारे में जान के कैसा लगा वो जरूर हमें बताएगा। और आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि यंग कमर जेक पॉल हरा देगा आपका माइक टायसन को, या फिर आपको लगता है कि माइक टायसन अपना तजुर्बा का इस्तेमाल करते हुए जेक पॉल को हरा देगा इस बॉक्सिंग मैच में? तो आप किसके साइड में है वो जरूर हमें बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है यान गेरी के तरफ से। यान गेरी चाहता था कि वो फाइट करे इंटरनेशनल फाइट वीक में, जिसमें फाइट कर रहा है आपका कोना मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर फाइट कर रहा है, तो उसी कार्ड का को मेन इवेंट में फाइट करना चाहता था यान गेरी कोबी कविंगटन के साथ। लेकिन यूएफसी वालों ने को मेन इवेंट में फाइट बना दिया है आपका जमाल हिल वर्सेस खलील के बीच में। तो इसी को लेके यान गेरी खुश नहीं है यूएफसी वालों से, इसलिए कि यान गेरी चाहता था कि वो फाइट करे इंटरनेशनल फाइट वीक का जो को मेन इवेंट का स्पॉट है उसमें। तो यूएफसी वालों ने यान गेरी का इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसी वजह से खुश नहीं है आपका यान गेरी यूएफसी वालों से। तो आपको इस बारे में जान के कैसा लगा वो जरूर बताएगा। तो क्या आपको लगता है कि यान गेरी डिजर्व करता था को मेन इवेंट में फाइट करने का इंटरनेशनल फाइट वीक में आपका जो कोनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर का फाइट होने वाला है उसमें, या फिर आपको लगता है कि नहीं जमाल हिल और खलील के बीच में जो फाइट हो रहा है वही डिजर्व करता है को मेन इवेंट में फाइट करने के लिए? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।